जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पे, और यह कोई क्लिक बेट नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। आज की यह वीडियो मैंने ऐसे बच्चों के लिए बनाई है जो कि कोर्स कर चुके हैं लेकिन अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। उन्हीं के लिए मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उनको बताऊं कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज और जॉब्स अभी निकली हुई हैं, ताकि जो बच्चा उसके लिए एलिजिबल होगा वो उसका फॉर्म भर के तैयारी कर सके। इसीलिए हर एक बच्चे के लिए आज की यह शॉर्ट वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी जॉब्स निकली हुई हैं उनके बारे में आपको बताया है। तो बहुत ध्यान से सभी स्टेट के सभी बच्चे ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको बिहार के टीचिंग जॉब्स के बारे में पता था या नहीं पता था, जितने भी बच्चे टीचर बने हैं या टीचिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं। बिहार में 170,000 वैकेंसीज निकली थी टीचिंग पोस्ट की। जी हाँ, 170,000। तो क्या आपने ये भरी या नहीं भरी, क्योंकि इनकी लास्ट डेट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, 31 जुलाई लास्ट डेट थी। तो कॉमेंट करके बता देना, अगर भर दिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भर पाए, आपको नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, और भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर टीचिंग की जॉब्स हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं, दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट के अंदर जो जॉब्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो EAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर दो टाइप की वैकेंसीज है। कौन कौन सी हैं? एक है जूनियर एग्जीक्यूटिव की और एक है असिस्टेंट की। यह दो टाइप की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। पोस्ट के नाम यहाँ पर दे रखे हैं मैंने कुछ के, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में, फाइनेंस में है और फायर सर्विस के अंदर है। टोटल पोस्ट कितनी कितनी वैकेंसीज है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है, और क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए चाहिए। तो आप ये चीज़ें इनकी वेबसाइट पर जाके डिटेल में देख लेना, अगर आप उसके अंदर एलिजिबल हो रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस, कब से फॉर्म निकलेंगे, कौन सी डेट से कौन सी लास्ट डेट है, वो सब मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। दो टाइप की वैकेंसी है, यहां पर एज लिमिट भी मैंने आपको शो कर रखी है। तो सब कुछ बहुत थोड़ा सा मैंने आपको बताया यहां पर, क्योंकि मुझे और भी वैकेंसीज के बारे में बताना है। बाकी डिटेल में आपको जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर इसके बारे में पढ़िए। अदरवाइज मोटी मोटी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। टोटल कितनी यहां पर हो जाएंगी वैकेंसी, 342 पोस्ट यहां पर निकली हुई है। अगला डिपार्टमेंट है हमारा SSC डिपार्टमेंट। SSC डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। कौन सा इंजीनियर? सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, तीनों ही इंजीनियर के लिए यहां पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ध्यान से देखिए, 1324 पोस्ट अवेलेबल है। जी हां, 1324 पोस्ट जो है वो खाली है इंजीनियर की। तो अगर आपने JEE या जूनियर इंजीनियर आप हो तो भैया आप इसके अंदर बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। अब क्या क्या चीजें मेन मेन है आपको बता देता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो यहां पर दी गई है। 26 जुलाई से इसका फॉर्म भरना जो है वो शुरुआत हो चुकी है। फॉर्म भरने की, फॉर्म फिल करने की आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो क्या है, 16 अगस्त। तो 16 अगस्त से पहले पहले आप इसका फॉर्म भर देना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहां पर मैंने और आपको मेंशन कर रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी है, ठीक है जी। यहां पर अलग से भी स्पेसिफिकेशन मैंने दे दिया है, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी कितनी है, EWS की कितनी है, OBC की कितनी है, ST SC की कितनी है, टोटल इस तरीके से ये टोटल बन रही है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पे मैंने लिख दी है, ये डिपार्टमेंट लिख दिया है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वैसे मैंने यहाँ पे बहुत कम लिखा है। बाकी आप इनकी वेबसाइट पर आइए SSC की, वहाँ पर देखिए डिटेल में किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, और अगर आप उसके अंदर साबित हो रहे हैं मतलब आप उसके अंदर एलिजिबल हो रहे हैं तो आप फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए, ठीक है ना। किस लिए कोर्स कराया आपने? जॉब के लिए तो किया है, तो जॉब यहाँ पर हैंगी। तो इसीलिए अगर आपके पास ये कोर्स है, ये एलिजिबिलिटी आपकी इसके अंदर है, तो भैया आप ज़रूर इसके अंदर ट्राई करें। आइए फटाफट से बढ़ते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सब्सक्राइबर और लोग बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए यूपी की जॉब के बारे में बताना मेरा फर्ज बनता है। यहां पर एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी, इसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर आती है। इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो है वो वैकेंसीज है, वो पोस्ट अवेलेबल है Grade 2 की, सिस्टर Grade 2 रिक्रूटमेंट, ठीक है जी। उसकी यहां पर एज लिमिट वगैरह दे रखी है। अब वही बात, सबसे पहले फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहे हैं, एप्लीकेशन जो है वो 22 जुलाई से निकल चुकी है, मतलब फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं उसके, और लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त है, मतलब बहुत ही कम टाइम है, एक आध हफ्ता ही आपके पास बचा है फॉर्म भरने का। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। क्यों भरें? क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी हैं, 1291 पोस्ट हैं, 1291, तो अपने आप में बहुत सारी पोस्ट ही हो जाती हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट हैं? नर्सिंग की पोस्ट है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर रखी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सारी सी की
है, ये आपकी एलिजिबिलिटी, आपके पास नर्सिंग हो, मतलब नर्सिंग का आपने कोर्स कर रखा हो, बीएससी वगैरह जो भी होती है, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपने ये कोर्स कर रखा है, तो जरूर वेबसाइट पे जाइए, ये वाला फॉर्म फिल कीजिए, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम होगा, सारी डेट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, वो सब कुछ डिटेल में जानकारी जान के इसका फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी शुरू कीजिए और फिर अपने आप को सर्विस में लाइए, मतलब सर्विस देना शुरू कीजिए। अब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज की बात करना चाहूंगा जो कि जॉब्स आई हैं आपकी आईबीपीएस के अंडर में, और ये सारी ऑफिशियल जॉब है, ऑफिसर वाली बहुत अच्छे ग्रेड की जॉब है। कौन कौन सी यहाँ पर जॉब है मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटी ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, इस टाइप की सारी जो भी ऑफिशियल जॉब्स आती हैं आईबीपीएस के अंदर, उन सब के अंदर भी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। कितनी वैकेंसीज है देखिए, ध्यान दीजिए, 1402, 1402 मतलब तकरीबन 1500 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे सुनहरे मौके हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए रेडी भी हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो 1 अगस्त से इसके फॉर्म जो है निकल चुके हैं, आप इसके फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है, 21 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, तो अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, आराम से इसको आप भर दीजिएगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसको शेयर भी कर दे ताकि 21 अगस्त से पहले पहले उन जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसका फॉर्म जो है वो भर दें। एग्जाम डेट की कब कब होने के चांसेस है वो सब यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखा है, कितनी आपकी फीस लगेगी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और कौन कौन से ऑफिसर की कितनी कितनी पोस्ट है और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, ये सब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दो ही की दिखा पाया हूँ, मैं जगह कम थी मेरे पास इसीलिए, लेकिन अब इनकी वेबसाइट पर जाना, आईबीपीएस पे चेक करना भैया कौन कौन से ऑफिसर है वो सब देखना, क्या क्या कितनी कितनी पोस्ट है इसकी, जैसे 500 पोस्ट है इसकी, 120 पोस्ट है, इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये क्वालिफिकेशन आप देखो, अगर आप एलिजिबल हैं कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप फॉर्म भरिए, उसके लिए आप तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे जाएगी, दे रखी है, तो सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा, आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं, मैं साइड में हो रखा हूँ। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म भरें। IBPS के अंडर में ही प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी की भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है, 3049, जी हाँ 3000 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। किस किस की, यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी की। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख लीजिए फटाफट से, कौन कौन सी बैंक के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में 224 है, कैनरा बैंक में 500 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000 है, पंजाब नेशनल बैंक में 200 है, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 125 है। तो किस किस बैंक में कितनी कितनी मैनेजमेंट की वैकेंसीज अवेलेबल है वो यहां पर दिया गया है, एप्लीकेशन फी यहां पर है, और यहां पे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस पे नजर मार लेते हैं। 1 अगस्त से इसके भी फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है निकल गए हैं बल्कि मैं ये कहूँगा, और कब तक इसकी लास्ट डेट है, 21 अगस्त तक इसकी भी लास्ट डेट है, तो इसी महीने की 21 तारीख को ये डेट ख़त्म हो जाएंगी, इसीलिए इसको अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसको अपनी प्रेफरेंस में रखें और इसका फॉर्म भरें। एग्ज़ाम कब कब होने में चांसेज हैं, या आपका प्री होने के चांस है या आपका मेंस होने के चांसेज, क्योंकि IBPS का एग्ज़ाम है तो दो लेवल में ये होता है यहाँ पर आपके लिए, इसलिए प्री और मेंस दोनों की डेट जो है बता रखी है। कब हो सकता है एक्सपेक्टेड, पोस्ट नेम यहाँ पर दे रखा है प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये वैकेंसीज हैं, ये आप कितने 20 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त को, और यहाँ पर ये आपकी दे रखी है एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या आपकी है, ये चीज़ आप एक बार खुद से भी चेक कर लेना, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी, तो अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उसका फॉर्म ज़रूर भरें। ये मत सोचे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली की ही जॉब करूँगा, नहीं, पहली जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद जब पहली मिल जाती है तो आपके रास्ते खुलते चले, इसलिए आप कहीं भी रहते हैं अगर आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो उसका फॉर्म भरें, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो बिहार की हो, फॉर्म उसका जरूर भरें, तैयारी जरूर करें, इसी बहाने आपकी तैयारी होती रहती है और आप ना अपडेट रहते हैं एजुकेशन में और फिर नॉलेज में और प्रिपरेशन में। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो पता है आपको जंग लग जाता है, पढ़ाई पर भी भूल जाते हैं, इसलिए तैयारी होती रहेगी क्योंकि आप फॉर्म भरते रहेंगे इसी वजह से। तो फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए और मेहनत से तैयारी करके अच्छी सी पोस्ट लीजिए। ऑलराइट, तो IBPS की ये भी वैकेंसी आप नजर में जरूर रखें। ये एक अलग टाइप का बोर्ड है इसलिए मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाह रहा हूं। इसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है वो भी आपको बताऊंगा, तो ध्यान से ये वीडियो देखते रहिए। अब यहां पर ये है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी लिमिटेड के अंदर
कुछ वेरियस पोस्ट हैं, किस चीज की पोस्ट है आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की यहाँ पर पोस्ट जो है वो दे रखी है। पोस्ट के नाम अलग अलग है, ठीक है, जर्नलिस्ट हो गया, रिस्क इंजीनियर हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया, लीगल हो गया, ये पोस्ट के नाम है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, किसके अंदर कितनी कितनी पोस्ट है, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, तो आप देख लेना किसके अंदर आप फिट बैठ रहे हैं, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। कितनी वैकेंसीज है, 450 पोस्ट जो है वो यहाँ पर हैं, आपके सामने है, लिखी हुई है। वही बात, आपकी एज जो है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 1 अगस्त इसके फॉर्म निकल चुके और 21 अगस्त इसकी भी लास्ट डेट है। तो ऑलमोस्ट मैं ये सारी अभी की जो बिल्कुल हॉट जॉब चल रही हैं, जिनके फॉर्म निकल रहे हैं, डेट्स आ चुकी हैं, जिनका अभी टाइम चल रहा है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसीलिए इसको भी आप नज़र में रखें, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं, इसके जो एग्जाम वगैरह की डेट्स यहाँ पर दे रखी हैं, फीस वगैरह यहाँ दे रखी है। जर्नलिस्ट की 120 है, ठीक है, क्या चाहिए आपको, बैचलर या मास्टर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, मतलब आपके पास चाहे BA हो, MA हो, BCOM हो, MCOM हो, BSc हो, MSc हो, ठीक है, बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, और ये आपके परसेंटेज वगैरह दे रखी है। ऐसे आप रिस्क इंजीनियर में देख लो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में देख लो, लीगल में देख लो, अब लीगल की बात है तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, लॉ आपने कर रखा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाना और डिटेल में चेक करना और कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या 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 किसी के अंदर आप एलिजिबल हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान के अंदर कहाँ पर कौन सी जॉब्स हैं, राजस्थान की हाई कोर्ट के अंदर जोधपुर के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं। किस लेवल की वैकेंसी है, क्या पोस्ट है आपकी, स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की जॉब है, ठीक है। ये पोस्ट का नाम क्या है, स्टेनोग्राफर है, ग्रेड 3rd भी है और आपका ग्रेड 2nd भी है, दोनों यहाँ पर मेंशन कर रखी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी है, 277 पोस्ट है, ठीक है, 250 से ज़्यादा पोस्ट है तो अच्छी खासी है, भर देना। कौन एलिजिबल है, बहुत आसान, बहुत सारे बच्चे होंगे राजस्थान के जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, जैसे कि 10+2 सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपने 12वीं क्लास पास कर रखी हो आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है, आप 12th क्लास पास आउट हैं और आपने कंप्यूटर का एक ओ लेवल तक का कोई सा भी एग्जाम निकाल रखा है, जी हाँ, कंप्यूटर आपको आना चाहिए स्टेनोग्राफर का, इसीलिए अगर आपने कंप्यूटर का ओ लेवल तक का कोई एग्जाम निकाल रखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है वो जनरल वालों के लिए 700 रुपये और OBC वालों के लिए यहाँ पर दे रखा है, ST/SC वालों के लिए यहाँ पर दे रखा है। वही इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 1 अगस्त से इसके भी फॉर्म निकले हुए, छाट के जॉब्स लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए। तो 1 अगस्त से फॉर्म निकले हुए, वो 30 अगस्त शाम को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, मतलब पूरा अगस्त के महीने में फॉर्म भरे जाएंगे इसको, 30 अगस्त को शाम को 5 बजे से पहले भर देना, 5 के बाद फॉर्म नहीं लिया जाएगा आपका, ठीक है जी। ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं और एग्जाम का डेट वगैरह जो भी आएगी वो आपको फिर पता लग ही जाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, आपने 12वीं पास कर रखी है और आपने वाला कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रखा है जो ओ लेवल तक का है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप ज़रूर इसके अंदर फॉर्म भरें। तो ये चीज़ें आप देख लेना, ऑल राइट। ये है राजस्थान बोर्ड के अंदर, जो राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर का, उसके अंदर ये वैकेंसीज हैं। तो अभी जोधपुर के आसपास के जो बच्चे हैं, जो जोधपुर में रहते हैं, वो ज़रूर इस जॉब को देखें। अब राजस्थान से बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश से भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर किस डिपार्टमेंट में है, बैंक नोट प्रेस, जी हाँ, जहाँ पर नोट छापे जाते हैं ना, वहाँ की ये जॉब है, उसके अंदर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसीज आई हुई है। किस किस की हैं, सुपरवाइजर हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हैं और जूनियर टेक्नीशियंस हैं, इनकी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कुछ दे रखी हैं, 111 पोस्ट हैं यहाँ पर, अलग अलग पोस्ट के अंदर है। यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट नेम, जैसे कि सुपरवाइजर है प्रिंटिंग का, जहाँ प्रिंटिंग वगैरह होती है उसका सुपरविजन आपको करना है, तो 8 पोस्ट इसकी हैं। सुपरवाइजर है कंट्रोल का, जो कंट्रोल वगैरह करना हो आपको, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स की हैं, टेक्नोलॉजी की है, जूनियर टेक्नीशियंस की है, इसके कंट्रोल के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर अलग अलग हैं। तो ये सारी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, कितने कितने पोस्ट हैं ये दे रखी हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पर ये दे रखी है, कि आपने कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हो, क्या क्या आपने कर रखा हो, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, मैं साइड में हुआ हूँ। और यहाँ पर इसकी टाइप उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट देखिए, 22 जुलाई से इसके जो है वो फॉर्म निकल चुके हैं। कब तक लास्ट डेट इसकी, इसकी भी लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है। तो 21 अगस्त तक अभी पूरा आपके पास है टाइम, आराम से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम डेट वगैरह जो है वो एक्सपेक्टेड दे रखी है कि कब कब इसके एग्जाम जो है वो हो सकते हैं। तो सिलेबस वगैरह क्या है वो इसका देख लेना आप, एज वगैरह यहाँ पर दे ही रखी है। तो अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहते हैं और अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मैच खा रही है, तो बिल्कुल आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तैयारी करें, फॉर्म
फॉर्म भरें, ठीक है। कुछ नहीं पता कहाँ आपका नसीब आपको लेके जाए, कौन सी जॉब आपके लिए लिखी हुई हो और आप उसका फॉर्म भरें और आपको उसमें नाम आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए कोई भी जॉब आप नहीं छोड़िए, जो भी वैकेंसी जहाँ भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वो आप ज़रूर भरें। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में जो भी हैं जिनके इस जॉब के बारे में नहीं पता था, जिनको पता था, आप सबको पता लग जाएगा, इस जॉब के बारे में ज़रूर जानें, देखें और भरें। और जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई है, ठीक है जी, जिसमें भी आप एलिजिबल हो रहे हो, सो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसका फॉर्म भरें, ठीक है जी। खाली बैठने से कोई बात नहीं बनेगी कि मेरे घर के बराबर में जॉब निकलेगी तो ही मैं तैयारी करूंगा तो ही जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। आप भले ही जॉब मत करना दूर की, लेकिन एटलीस्ट फॉर्म तो भरो। फॉर्म भरने से क्या होगा, प्रेशर आएगा कि फॉर्म भरा जाए, तैयारी भी कर लेता हूं। तो आप तैयारी करेंगे ना तो आप अपने आप को निखार रहे हैं। अब आप तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई आसपास की जॉब आएगी उसमें भरेंगे तो आपको फिर ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और आपके फिर उसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए फॉर्म भरते रहिए जहाँ भी जॉब्स निकल रही हैं, और तैयारी भी करते रहिए उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आप अपडेट रहें, बिल्कुल लेटेस्ट जो पैटर्न है एग्जाम का उससे आप बिल्कुल नॉन रहें कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा लेवल आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको पता रहेंगी। ये मेरी कुछ कोशिश थी, कुछ मैं वैकेंसीज निकाल के लाया अलग अलग स्टेट से, ठीक है। मैंने दिल्ली की स्टेट्स के बारे में बताया, IBPS का बताया, SSC का बताया, राजस्थान का बताया, मध्य प्रदेश का बताया, बिहार के बारे में बताया मैंने टीचिंग जॉब का, चंडीगढ़ में भी टीचिंग जॉब निकली हुई है, याद आ गया मुझे, चंडीगढ़ के अंदर भी टीचिंग की जॉब्स निकली हुई हैं, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लेना। और उसका तो फॉर्म भी आई थिंक अभी निकले, मतलब फॉर्म भरे हुए, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी, चंडीगढ़ स्टेट के अंदर भी टीचिंग की वैकेंसी निकली हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। JBT PRT है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, और इसकी आपकी जो फॉर्म की डेट है वो अभी है, अगस्त की डेट है, तो इसलिए इसको भी आप फिल कर देना अगर आप चंडीगढ़ या उसके आसपास रहते हैं, टीचिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप ये भी फिल कर देना, जो कि PRT लेवल है, मतलब जूनियर बेसिक टीचर जो होता है ना, प्राइमरी टीचर होते हैं, उसकी ये वैकेंसीज हैं। और ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की निकली हुई है, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका लेवल है, आपकी वो एलिजिबिलिटी है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर इसी PDF में होना चाहिए। हाँ, राजस्थान, हाँ ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है जी। इसकी जो डेट है, इसकी डेट जा चुकी है भैया, इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि इसकी जो डेट थी लास्ट डेट वो 25 जुलाई थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है, तो अफसोस इसमें आप अभी नहीं भर सकते, ये निकल चुकी है आपके लिए। फिर भी जो अभी चल रही हैं मैंने काफ़ी सारी आपको बता दी हैं, इसीलिए उसमें अगर आप किसी में भी एलिजिबल हैं तो ज़रूर उसका फॉर्म भरें, तैयारी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो की कामयाबी जब होगी जब आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता भैया कहाँ पर कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इन वैकेंसीज के बारे में बता दें, इसीलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक बच्चे तक पहुँचा दीजिए जो भी बेरोजगार हो, क्या पता आपके उस शेयर करने से उस तक उस वैकेंसी के बारे में उसकी डिटेल पहुँच जाए और वो फॉर्म भर दे, उसका सिलेक्शन हो जाए, उसकी ज़िंदगी बन जाए। तो इसीलिए आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है, इसीलिए इसको जिम्मेदारी समझ कर सही तरीके से सही बच्चे तक इस वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिए, बहुत ज्यादा भले का काम है, बहुत ज्यादा भलाई का काम है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।